अस्सलाम वालेकुम मैडम, सब तो पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना, नाम दसना थोड़ा जा। जी राइला खादिम हुसैन मेरा नाम है और मैं पार्लियामेंटेरियन हाँ पंजाब की, तीसरी दफ़ा PMLN तो यानी कि मियाँ मुहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत मैं इतने मौजूद हाँ। अच्छा मैडम, तुहाडे कोल पुछना यह है कि क्योंकि अज तुसी छोटे जिहड़े बच्चियां हुंदियां दियां शादियां हो जांदे ने, विआह हो जांदे ने छोटी उम्र, तो ये तुसी की समझदे हो कि पंजाब दे विच मसला जिहड़ा है ये मौजूद है और बहुत ज़्यादा है, ये तो कम करने की जरूरत है। देखो अगर तुम अज तो 10 साल पहले की गल करोगे ना तो पंजाब में बिल्कुल सूरत हाल वक्री हैगी सी। इनू बड़े अजीब तरीके नाल सोचा भी जाता सी ते इहदे गल करना बड़ा मयूब समझाया जाता सी। ते लेकिन मियाँ मुहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो आए हैं लोगों ने उन्होंने मुंतखब किया पंजाब के लोगों ने, तो उन्होंने इन मसायल बड़ा समझिया, इनू उजागर भी किया, लोगों के शऊर भी पैदा करने की कोशिश की, जिहदे उत्ते असी कानून साजिश खास तौर पर की पंजाब की असैंबली के अंदर, ताकि लोगों को कम उमरी की शादी के मुतलक जो नुकसानात ने जो मसायल खड़े हो रहे हैं उन्हों तो अगाह भी किया जाए तो पाकिस्तान आने वाली तबाही तो बचाया भी जा सके, क्योंकि पंजाब एक बहुत वड्डा सूबा है और इतने तो रहने वाली आबादी भी सब तो ज़्यादा है, तो इतने के लोगों के मसायल भी थोड़ा डिफरेंट ने, जिस जिमें लहिंदे पंजाब के तो चढ़ते पंजाब के वक्रे वक्रे लोगों के रस्मों रवाज ने, उन्होंने रहन सहन ने, उन्होंने तौर तरीका है, लेकिन उन्होंने सबनों एक नाल लैके चलना बड़ा मुश्किल काम है सी। लेकिन उस तो बावजूद क्यादत की क्योंकि विजन मौजूद सी, उन्होंने और भरपूर अपना किरदार अदा किया, कम उम्री की शादी को रोकने की पूरी कोशिश, ये हेल्पलाइन मौजूद है, कानून साजी हो चुकी है, हाँ जिथे जिथे और अमल दरान मसायल होते हैं वो मौजूद होंगे साड़ी इंतजामिया के नाल, तो इंतजामिया कंट्रोल करना पैंदा है मौजूदा हुकूमतों के नाल, तो अगर यह मौजूदा हुकूमत जिन्हें मियाँ मुहम्मद शहबाज के इन्ने बेहतरीन काम किए हुए जिन्होंने तुम SDGs से MDGs पंजाब के सारे कामों दिखा के अपने नंबर बनाते रहे हो, तो मेरा ख्याल है अज फिर तुम्हें वध के कम करना पवेगा ताकि उन्होंने कामों अगे लैके जाया जाए, जी कम उमरी की शादी के और मसायल जी इंप्लीमेंटेशन अमल दरामद जो मसायल ने उन्होंने हल किया। अच्छा मैडम, ये दसो कि पंजाब के कि इलाके ने जिथे ज़्यादा रौला है, मतलब जनूबी पंजाब वाली साइड तो समझ ज्यादा या सेंट्रल पंजाब तो सब देखो जनूबी पंजाब भी सब तो ज्यादा, क्योंकि उत्थे बेरोजगारी ज्यादा है, तालीम दा इना अच्छा मयार नहीं अजे तक होते हो सके जी वजह तो लोग जल्दी जल्दी अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, लेकिन उस तो सब तो वड्डा फैक्टर है कि वह बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, वो बेरोजगार होते हैं, वो छोटी उम्र च ही उन्होंने बच्चों कोशिश करते हैं कि वो किसी ना किसी काम से ला दिता जाए, 15-16 साल तो पहले पहले उन्होंने शादियां कर दीतियां जा ताकि अपनी जान तो छुटकारा पाइए, लेकिन वो मसायल वधा रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब के मसायल वधा रहे हैं, असी सारे ने इन्होंने कामों केटर करने वास्ते उन्होंने ब्रेक लाने वास्ते कानून साजी की है, लेकिन और इंप्लीमेंटेशन वास्ते जूमी पंजाब के लोगों भी बाहर आना पड़े। अच्छा तो नाल फिर तुम ये नहीं समझते क्योंकि शहबाज साहब शहबाज शरीफ साहब और इन्होंने बहुत ज़्यादा हुकूमत रही है पंजाब के, तो समझते हो कि ज्यादा तो फिर है ना जनूबी पंजाब नाल, क्योंकि स्कूल कॉलेज उस तरीके दे नहीं बन सके, रोजगार तुसी आपे दस रहे हो कि रोजगार भी नहीं है। ए बड़ा अहम तुसी सवाल कीता है, देखो जदों जमहूरी हुकूमत आंदियां ने ना ते पाकिस्तान दे खजाने खाली पए होंदे ने, तुसी जीरो तो शुरू करते हो ते तुसी उन्होंने इंटरनेशनल लैवल तक ले जाने वास्ते तुहानू बहुत सफर करना पैंदा है। अगर तुसी हुणे देखो तो असी जिहड़े बैरूनी कर्जे लिते तुहानू सड़कां नज़र आणगे, स्कूल बने नज़र आणगे, उत्थे स्टाफ मौजूद नज़र आएगा, हॉस्पिटल तुहानू नज़र आणगे, जच्चगी बच्चगी हॉस्पिटल तुहानू जनूबी पंजाब विच हुण नज़र आना, इद्दां सारे शुरू होणगे, पहिना पहले तो घोड़े तो गधे सारे तुसी अगर देखो तो एक ही जिहड़ा जोहर से उत्थों पानी पीते सन, हुण उत्थे नलके भी मौजूद ने। मैं आप इस गल की गवाह हाँ कि जदों मैं सरदार फारूक लगारी के हल्के गई तो जनाब उत्थे पीण दे पानी नहीं आया सी, लोग जोहड़ां दे विच पानी इकट्ठा करते सन, हूँ जाओ अलहमदुल्ला उत्थे जिहड़ा साफ पानी की पाइप भी मौजूद ने, सीवरेज भी मौजूद है। देखो मसायल वसायल ज़्यादा ने ते वसायल कट ने, लेकिन अगर तुसीं वो प्रॉपर डेमोक्रेसी जमहूरीयत दे नाल हुकूमतां नूं चलन दवो, उन्होंने प्रॉपर तरीके नाल काम करन दिओ, उन्हां दी पॉलिसीज चलदियां रहन, तो मेरा ख्याल है आने वाले 20 साल के विच तुहानूं यह मसायल नज़र नहीं आएंगे। अच्छा छोटी उम्र जिहड़े विआह हो रहे ने इहनूं खत्म करन लई तुसीं की समझदे हो कि अवेयरनेस देण लई लोगां नूं की तरीकाकार कीता जा सकदा, मतलब जिहड़े तुहाडे कोल कोई सलूशन हो? देखो सब तो अच्छा सलूशन यह है कि सोशल मीडिया तुहाडे हाथ बहुत वड्डी जिहड़ी है ना हथियार एक टूल आ चुके है, इनू तुसीं बजाय कि लोगों की करैक्टर असैसीनेशन के उत्ते इस्तेमाल करो, इनू क्यों नहीं पॉजिटिव तरीके ना गवर्नमेंट जी रियासत जी इन्हों अपने हाथ में लै लें, तो ऐसे जोड़े सोशल इशूज़ ने उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुँचाण, मीडिया के जरिए प्रिंट मीडिया के जरिए, यानी कि असी बहुत आसानी तरीके असी इन्हों तक पहुँचा सकते हैं, छोटे छोटे पिंड जाके यहोजे टैबलो
ਇਨਕਲੂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਕਮ ਉਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਬਣੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਡਮ।